So Mission Mangal could be the first proper space film for the India. But does it done the job? Let's find out. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बुक्स फिल्म्स एंड फन और आज हम लोग करने जा रहे हैं मिशन मंगल का एक शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू। सो लेट्स बिगिन। सो मिशन मंगल कहानी है इंडिया के मास ऑर्बिटर मिशन की, जो 2014 में कंप्लीट हो गया था और उसके कंप्लीट होने के साथ ही इंडिया दुनिया का पहला देश और इसरो दुनिया की पहली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंच गए। एनीवे, मिशन मंगल इंडिया के इसी हिस्टोरिक मिशन को रियल लाइफ में दिखाने का एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट है। जी हाँ, अनसक्सेसफुल। क्यों? लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सो इंडिया का मास ऑर्बिटर मिशन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हिस्टोरिकल इवेंट था और जब आपके पास इतना हाई वोल्टेज कंटेंट और हाईली सक्सेसफुल रियल इवेंट होता है और आपके पास एक चार राइटर्स की टीम है इंक्लूडिंग आर बालगी एंड डायरेक्टर जगन शक्ति हिमसेल्फ, तो आप उम्मीद करते हो कि आपको उसका एक धांसू स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली द स्टोरी गोज कम्प्लीटली फ्लैट, लाइक ऑल अदर फिल्म्स जहाँ पे एक अंडरडॉग लोगों की टीम होती है जिसे एक अनइम्पॉसिबल सा दिखने वाला टास्क कंप्लीट करने के लिए दे दिया जाता है और उनके रास्ते में कई तरह की रुकावटें होती हैं और साथ में होता है एक अजीब सा ओपोनेंट जो उनके लिए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बट वो टीम उन सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए अपने गोल को अचीव कर लेती है, लाइक चक दे इंडिया। सी आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इट टू बी लाइक ग्रेविटी और द मार्शियन, बट मुझे लगा था कि मिशन मंगल हमें इसरो के अंदर लेके जाएगा, हमें वहाँ के रियल इश्यूज, रियल फैक्ट, रियल प्रॉब्लम, रियल स्ट्रगल से रूबरू कराएगा, हमें ये बताएगा कि इसरो के अंदर मिशन मंगल के दौरान किस तरह की प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी, उसका कैसे सल्यूशन निकाला था, हमें वो सारी चीज़ें बताएगा और सारी भी नहीं तो कुछ चीज़ें बताएगा जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसे फैक्ट जो पब्लिक नहीं जानती लेकिन उन्हें जानना ज़रूरी है। बट इन दिस फिल्म इसरो के नाम पर पूड़ियाँ तली जा रही है, पूरे स्पेस स्टेशन को ऑन ऑफ किया जा रहा है एक मोबाइल की तरह ताकि वो प्रॉपरली काम करे और इस तरह के और भी कई फनी और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंसेस हमें इस मूवी में देखने को मिलते हैं। आई अंडरस्टैंड कि स्पेस साइंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को 2 घंटे की मूवी में समझाना और उसके साथ उस मूवी को एंटरटेनिंग और इंगेजिंग बनाना, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्लॉट और रियल स्टोरी से ही भटक जाओ। और डायरेक्टर ने उस कॉम्प्लेक्स साइंस को यहाँ समझाने की कोशिश की भी नहीं है, उन्होंने सारे रॉकेट और स्पेस साइंस के प्रॉब्लम्स को उन सो कॉल्ड साइंटिस्ट्स की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से जोड़ दिया है। बात करूँ अगर VFX की तो फिल्म में VFX का ज़्यादा यूज़ है नहीं, बट जितना भी VFX काम में आए वो बहुत ही एवरेज है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा साईफाई या हाई VFX वाली फिल्म की अगर एक्सपेक्टेशन ना ही करें तो बेटर होगा। बात करूँ अगर एक्टिंग की तो विद्या बालन इज़ द रियल हीरो ऑफ द फिल्म, शी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग एज ऑलवेज। 7 लोगों की पावरफुल स्टार कास्ट को अगर आप अपने एक्टिंग टैलेंट से ओवरशैडो कर लो तो उसे और क्या कहेंगे। उनकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस और स्माइल, उनका पैशन फॉर वर्क, उनका अपने पर्सनल लाइफ में जो स्ट्रगल है, ये सारे कैरेक्टर्स विद्या बालन ने बखूबी निभाए हैं और ये एक पर्टिकुलर सीन, ये तो मेरा फेवरेट है। रिक्शा कहीं भी जा सकता है सर, अगर रिक्शा वाला चाहे तो मास चलेंगे भैया। अक्षय कुमार अलग ही मिट्टी के बने, अगर आज की डेट में इस तरह की मूवी किसी और एक्टर को ऑफर की जाती तो या तो वो चक दे इंडिया वाले शाहरुख खान हो सकते थे या वो अक्षय कुमार हो सकते हैं। जी हाँ, दिस मैन डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। उनके हिस्से में एक्चुअल में ज़्यादा करने के लिए कुछ था नहीं, ना ही उनके कैरेक्टर और रोल में ज़्यादा वेरिएशंस थे, बट जितनी भी देर वो स्क्रीन पे प्रेजेंट रहे, ही इज़ द मून शाइनिंग अमंगस्ट ऑल द स्टार्स। तापसी पन्नू एंड नित्या आर वेस्टेड जस्ट लाइक शर्मन जोशी, सोनाक्षी सिन्हा एंड कीर्ति कुल्हारी। एक अच्छी स्टार कास्ट और एक अच्छी स्टोरी को किस तरह से पुअर राइटिंग से बर्बाद कर सकते हैं, उस चीज़ का क्लासिक एग्जांपल है ये फिल्म। जीशान आयुब, पूरा कोहली और संजय कपूर, इन तीनों को मिला के शायद टोटल 10 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला होगा बस। डायलॉग्स की अगर बात करूँ तो जितनी पंच लाइन्स हमें दोनों ट्रेलर्स में देखने को मिली हैं, मूवी में बस लगभग उतनी ही है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है और मूवी की स्टोरी के साथ परफेक्टली ब्लेंड करता है। मूवी का म्यूजिक अमित त्रिवेदी ने दिया है और इस फिल्म के अंदर सिर्फ 2 गाने हैं जो भी सिचुएशनल सॉन्ग है और बैकग्राउंड में चलते हैं। दिल में मार्स इज माय फेवरेट और वो गाना सच में अच्छा लगता है, बट दूसरा गाना तो मुझे याद तक नहीं है। तो फिल्म एकदम बेकार है मिशन अबॉट? अरे नहीं यार, ऐसा भी नहीं है कि ये फिल्म एकदम ही बेकार है।
आई एडमिट कि ये फिल्म हमारे साइंटिस्ट के रियल स्ट्रगल, रियल प्रॉब्लम्स और रियल अचीवमेंट को इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखा पाई। आई बिलीव एंड आई एडमिट कि ये फिल्म एक पोटेंशियल कंटेंट और टॉपिक को एक वाव स्टोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाई, बट हल्का सा ही सही। ये फिल्म हमें इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि अब हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी से कम नहीं है। हमें नासा की ज़रूरत नहीं, नासा को हमारी ज़रूरत है। अगर आप इस फिल्म को मेरी तरह हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने जाएंगे तो बिल्कुल निराश होंगे, लेकिन यदि आप लोग इसको एक लाइट हार्टेड फैमिली मूवी की तरह सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाएंगे बिना किसी नॉलेज गेन के लिए, तो ये फिल्म शायद आपको उतना निराश ना करे। तो इस इंडिपेंडेंस डे एक बार जाइए और इस फिल्म को ज़रूर देख के आइए, क्योंकि ज़्यादा ना सही थोड़ा ही सही, ये फिल्म हमें हमारे एक बहुत बड़े हिस्टोरिक इवेंट के बारे में बताती है। और तब तक हमारे साथ बने रहिए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते रहिए, फिल्म्स देखते रहिए एंड हैव फन।